राजधानी लखनऊ के बहुखंडी आवास में बीजेपी विधायक के घर पर चोरी का मामला सामने आया है, जहां बेखौफ चोरों ने बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के घर सेंधमारी करते हुए लाखों रुपए की नकदी समेत अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक योगेश वर्मा मीटिंग खत्म कर अपने घर पहुंचे तो मौके से टूटे हुए ताले देख चौंक गए, जिसके बाद बीजेपी विधायक को लॉकर से 1,26,000 रुपए और 2 कीमती घड़ियां गायब मिली, जिसके बाद विधायक ने पुलिस को घटना की सूचना दी। मैं एक तारीख को अपने सभी कार्यक्रम निपटा के मैं वापस अपने लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र में गया हुआ था। जब मैं आज अवच्छेद की बैठक में आया, उसके बाद बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश कार्यालय पे गया। प्रदेश कार्यालय से जब मैं अपने आवास पे आया तो पता चला कि सारे ताले टूटे पड़े हुए हैं, और जब अंदर एंट्री की सब लाइटें जली थी, सारे दरवाजे खुले पड़े हुए थे। जब अंदर एंट्री की तो सेफ भी टूटी हुई थी। क्या क्या लेके गए? लगभग कुछ कैश था और 2 घड़ियां थी। कितना कैश? अब कैश 1,26 के आसपास का था। फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरह से चोरों ने बीजेपी विधायक के घर पर वारदात को अंजाम दिया है, उससे कहीं न कहीं कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में जरूर आ गई है। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।